माई नेम स्क्रीनाई होप यू आइज डूइंग एब्सुलटली वेल सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट थर्टी डेज डिटेल स्टडी प्लान ऑन हाउ यू कैन क्लियर योर सी एस एग्जामिनेशन इन लास्ट थर्टी डेज एंड ऑन दिस अगर मैं आपकी जगह पे होती और थर्टी डेज बाकी होता ठीक है तो मैं ये स्टडी प्लान यूज करती ताकि मैं आराम से अपना एग्जाम क्लियर कर दूँ एंड अगेन अ डिस्कलेम ये वो सारी चीजें है जो मैं करती एज अ स्टूडेंट ठीक है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके बता रही हूँ की आप थर्टी डेज में क्या कर सकते हो आप चाहिए तो थोड़ा थो आइडिया और अपने हिसाब से अगर आपको कोई और ज्यादा कन्वीनियंट वे लग रहा है या फिर आपको जैसा करना है आप कर सकते हो ये सारी चीजें जो अगर मैं स्टूडेंट रहती तो मैं कैसे थर्टी डेज में मेक श्योर करती कि मेरा एक ग्रुप आराम से क्लियर हो जाता तो वही चीज आप भी कर सकते हो सबसे पहला स्टेप जो तुम करने वाले हो वो है कि देखो या तो तुम्हारे चार सब्जेक्ट होंगे ठीक है या तो तीन सब्जेक्ट होंगे एक पर्टिकुलर ग्रुप में अभी अगर चार सब्जेक्ट है तो चार में से तुम अभी ही डिसाइड कर लो कि कौन से दो सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें एक्जामिशन चाहिए और कौन से दो सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें चालीस के नीचे नहीं लाना ठीक है फोर्टी फाइव के नीचे तो ऐसे चार सब्जेक्ट में से दो एग्जामिशन वाले सब्जेक्ट दो नॉर्मल सब्जेक्ट ताकि एग्रीगेट तुम्हारा आराम से हो जाए टू हंड्रेड प्लस ठीक है और अगर तुम्हारे तीन सब्जेक्ट है तो तुम्हें ट्राई करना है कि तुम्हारे दो सब्जेक्ट तुम अभी से डिसाइड करके चलो कि तुम्हें इसमें चाहिए और एक सब्जेक्ट जिसमें या के प्लस प्लस चाहिए ठीक है ताकि एग्रीगेट आराम से 150 प्लस हो जाए तो फर्स तो फर्स्ट स्टेप यही रहेगा या फिर बहुत सारे जन ऐसा करते हैं कि सब में फिफ्टी चाहिए लेकिन मैं अपना सब कुछ बता रही हूँ तो मैं कैसे करती मैं दो सब्जेक्ट को एग्जामेशन वाली रखती ठीक है ताकि दो सब्जेक्ट में ए टू जेड पूरा पढ़ लू अगर सिर्फ फिफ्टी रखती तो सब में पूरा चार के चार

सेकेंड स्टेप होगा तुम एक दिन में दो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो जिसमें से एक सब्जेक्ट होगा जिसमें तुम्हें 60 या 60 के आसपास वाला सब्जेक्ट होगा दूसरा होगा जिसमें मिनिमम 40 40 या फिर 40, 45 के पास चाहिए तुम्हें तो तुम इसका दो पैर बना सकते हो फॉर एग्जांपल तुम कर सकते हो जी आई और उसके साथ जो तुम्हें लग रहा है वैसे तुम अपने हिसाब से दो सब्जेक्ट का पैर बना लो और अगर तीन सब्जेक्ट है तो ट्राई करो कि एक जो भी तुम्हारा प्रैक्टिकल है वो डेली ले लो और उसके साथ थ्योरी करते जाओ क्योंकि प्रैक्टिकल ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है ठीक है तो तुम ऐसे दो सब्जेक्ट का पेयर कर लो एंड ऑल्सो जो सिक्सटी वाले होंगे ना तुम्हें यहां पे तुम्हें ट्राई करना है तुम मॉड्यूल भी पढ़ाई करो ठीक है तुम बहुत मैक्सिमम कवरेज कंप्लीट करना है तुम्हें सिक्सटी वाले का अभी लेकिन फोर्टी वाले का तुम हो सकता है तो मॉडल स्किप कर लो क्योंकि अभी मॉडल पढ़ने का उतना टाइम नहीं है तो हम इसमें सिर्फ क्लास नोट्स करेंगे यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइक ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर देखेंगे ये जो फोर्टी वाला है ठीक है तो तुम्हें ये करना है जो सिक्सटी वाला है ना उसमें एकदम ज्यादा हमें ये सब नहीं करना है स्ट्रेटेजी नहीं लगानी है मॉड्यूल भी पढ़ना है इसका ठीक है एकदम ज्यादा मॉडल बताती हूँ कितना मॉडल पढ़ना है ठीक है तो इतना कैटेगरी समझ लो अभी तुम

तुम्हें किधर बाहर जाना पड़ा तुम्हारा बर्थडे आ रहा है तो तुम ये दो डे बफर उसके लिए यूज कर सकते हो ठीक है सिर्फीन डेज दो सब्जेक्ट तुम्हें कंप्लीट करना है लेकिन बहुत सारे जन एक दिन में एक सब्जेक्ट करते हैं तो हो सकता है तुम डेज डेज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट सब्जेक्ट ले लो और 7 दूसरा लेकिन आइडल दो सब्जेक्ट करना तो इससे तुम्हारे लिए दो सब्जेक्ट के लिए तुम्हें फोर्टीन डेज ज्यादा टाइम भी मिल जाता है तो आइडल मैं दो सब्जेक्ट करती फोर्टीन डेज में एंड ऑल्सो जिसको जानना है कि कैसे तुम स्क्रैच से पूरा सेवन डेज में कंप्लीट कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ठीक है पूरा सब्जेक्ट का कैसे सेवन डेज में कंप्लीट करने का वो तुम देख सकते हो ऑब्वियसली टाइमलाइन बढ़ गई है सेवन टू फोर्टीन अगर तुम दो सब्जेक्ट ले रहे हो ठीक है इन डेज़ को अगेन हम तीन डेज में डिवाइड करने वाले यानी कि आठ दिन का एक तुम्हारा स्लॉट हो गया ठीक है दूसरा स्लॉट होगा चार दिन का और थर्ड स्लॉट होगा दो दिन का अभी दिन तुम्हें क्या करना है आठ दिन तुम्हें कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट ठीक है मैंने बहुत बार बताया इसका जिक्र किया है कि तुम्हारा जो हंड्रेड मार्क्स का सिलेबस है ना उसमें पार्ट ऑलरेडी आईसीएसआई ने दिया हुआ है फोर्टी मार्क्स का फिफ्टी मार्क्स का जो भी एक पर्टिकुलर पार्ट या फिर सिक्सटी मार्क्स का जो तुम्हें परफेक्ट करना है पहले आठ दिन में तुम ये पूरा पाठ अच्छे से पढ़ोगे ठीक है? इसमें कुछ भी स्किप नहीं करना दिन दो सब्जेक्ट का एक कोई भी पर्टिकुलर पार्ट लो और आठ दिन में कवर कर लो और ऐसे कवर करना कि चालीस में से या फिर फिफ्टी में से जो भी है तुम्हें मिनिमम बोल रही हूँ मिनिमम थर्टी फाइव इधर के इधर ही आए तो आठ दिन तुम दोगे सबसे पहले एक पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट करने में अभी इसके बाद नेक्स्ट फोर डेज तुम पढ़ोगे जो दूसरा पार्ट जो तुमने स्किप किया मतलब यहाँ पे नहीं पढ़ा था उसका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कैसे पता चलेगा ऑनलाइन एनालिसिस देखो या फिर सबसे बेस्ट है स्कैनर तुम्हारे पास होगा ही देखो कौन मोस से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ठीक है उसके प्रॉपर लिस्ट बनाओ अभी चार दिन तुम उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर्स है ना पार्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर चार दिन में कंप्लीट करने वाले हो ठीक है अभी नेक्स्ट सेक मतलब दो दिन जो बचा रहेगा उसमें जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दूसरे पार्ट का ठीक है वो तुम ट्राई करोगे कंप्लीट करने का लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम कम बचा और तुम इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं कर पाए तो दो दिन ट्राई कर सकते हो तुम पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर उसको कंप्लीट कर लो एंड ऑल्सो जो एक दिन का बफर दिया है तुम कर सकते हो जिस सब्जेक्ट में तुम्हें एग्जामिशन लाना है ठीक है उसका चाहिए तो पूरा दिन सिर्फ उसकी तैयारी एक दिन उसको एक्स्ट्रा देके क्योंकि तुम्हें इसमें एग्जामिशन चाहिए तुम्हें इसका मेजर कवरेज करना है एंड ऑल्सो जिस सब्जेक्ट में तुम्हें एक्जामिशन चाहिए ट्राई करो उसमें मैक्सिमम जो तुम चैप्टर छोड़ो ना छोड़ो यानी कि क्लासेस नोट्स नहीं लिखना थोड़ा इम्पोर्टेंट बताती हूँ कौन सा इम्पोर्टेंट कर लो सिर्फ तीन चैप्टर या दो चैप्टर ही छोड़ सकती हो जिसमें तुम्हें एग्जामिशन चाहिए ठीक है तो जो एक दिन बचेगा प्रॉपर पंद्रह दिन में चौदह दिन का मैंने बता दिया एट फोर टू ठीक है एक दिन जो बचेगा इसमें तुम एग्जामेशन वाले सब्जेक्ट दोनों में ले सकते हो ठीक है ये दो सेट, का सेट है एक दिन, एक दिन वाले सब्जेक्ट को दे देना प्रॉपर उसका मैक्सिमम कवरेज कर लेना एक दिन में और वैसे ही जो नेक्स्ट दो सब्जेक्ट उठाओगे जो एक दिन बफर का है उसमें तुम यूज कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ और करना है काम या फिर कोई आ गया इवेंट तो ठीक है वो इवेंट में दे देना ठीक है वरना तुम ऐसे आराम से प्रिपेयर कर सकते हो अभी बात करते हैं कि तुम आठ दिन में पहले आठ दिन में तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है और क्या क्या सोर्स होगा जिससे तुम पढ़ सकते हो देखो एक दिन में तो दो सब्जेक्ट कर रहे हो एक एग्जामेशन वाला और एक, एक जिसमें तुम्हें फोर्टी के पास चाहिए ठीक है थीके? अभी एग्जामेशन वाले में तुम कैसे पढ़ो जितने भी तुम्हारे चैप्टर है ना कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट में ठीक है उसको डिवाइड कर लो कि हाँ आठ दिन है शायद दो दो चैप्टर करना पड़े जो भी है वैसे डिवाइड कर लो प्रॉपर लिखो और जब दो चैप्टर लिख रहे हो ट्राई करो एक हार्ड चैप्टर यानी कोई बड़ा चैप्टर होगा उसके साथ एक छोटा चैप्टर कोलैप कर लेना ठीक है तो एक दिन में तुम ऐसा कोलैप कर सकते हो हार्ड चैप्टर प्लस इजी चैप्टर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अभी तुम्हें कैसे पढ़ना है अगर तुम मैराथन देख के पढ़ रहे हो तो कर सकते हो कि सबसे पहले क्लास नोटबुक है ना उसमें रुको रुको सबसे पहले बताती क्या करो क्लास नोटबुक लो ठीक है तो मॉड्यूल मॉड्यूल उठाओ के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं ठीक है एकदम एंड ऑफ द मॉड्यूल भी क्वेश्चन दिया होता है वो सारे क्वेश्चन तुम सबसे पहले अपनी क्लास नोटबुक में मार्क कर लो ठीक है उसके बाद स्कैनर उठाओ स्कैनर के जो जो क्वेश्चन है तुम अपने क्लास नोटबुक में मार्क कर लो ये दोनों को साइड में रखो अभी क्लास तुम्हें क्लास मैराथन देख रहे हो अगर मैराथन के साथ पढ़ाई करो तो मैराथन में जो जो कंसेप्ट है सबसे पहले वो पढ़ के ख़त्म कर दो ठीक है उसको मतलब रीड करो रिकॉल करो और प्रॉपर ऐसे करके रहो मैराथन के कंप्लीट कर लो मॉडल क्वेश्चन कंप्लीट कर लो स्टैंडर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लो और बाकी चीज़ रीड कर लो अभी ये वाले पर्टिकुलर पार्ट के लिए बता रही हूँ एक बार तुम्हारा क्लास नोट सब करके हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुमने कवर कर ली फिर जो यहाँ वहाँ क्लास नोट में सब हो गया अभी तुम इस वाले पार्ट के लिए उठाने वाले हो मॉडल मॉडल पूरा नहीं पढ़ना है मॉडल में सिर्फ जो तुम्हारे क्लास नोटबुक में नहीं है ठीक है प्रॉपर पूरा मॉडल मत पढ़ना टाइम नहीं है सिर्फ क्लास नोट्स में नहीं है इस वाले पर्टिकुलर पार्ट ठीक है फोर्टी मार्क्स का फिफ्टी मार्क्स का जो तुम कवर कर रहे हो सिर्फ इसके लिए तुम मॉडल में जो दिया हुआ है ठीक है एक्स्ट्रा चीज उसको प्रॉपर रीड कर लो समझ लो सिर्फ लर्न करने का कुछ नहीं है रीड करो रिकॉल करो इसका मीनिंग क्या है दैट्स इट ये हो गया तुम एग्जामेशन वालों को कैसे कवर करोगे आठ दिन में अभी दूसरा जिसमें तुम्हें फोर्टी चाहिए ठीक है उसका तुमने पर्टिकुलर पार्ट ले लिया इसमें देखो इस वाले पार्ट में हम मॉड्यूल अभी नहीं करेंगे क्योंकि मॉड्यूल ए टू जेड कवरेज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंड में लेकिन इस वाले सब्जेक्ट के लिए हम क्लास नोट्स तो पूरा पढ़ने ही वाले हैं ठीक है अगेन सेम स्टेप क्लास नोट्स उठाएंगे लेकिन हाँ मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चन है हम मार्क करेंगे ठीक है लास्ट एंड ऑफ द मॉड्यूल जो क्वेश्चन है मार्क करेंगे स्कैनर क्वेश्चन मार्क करेंगे और वैसे ही मैराथन से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैराथन देख लेंगे ठीक है मैराथन देख के मैराथन का सब कंप्लीट करेंगे स्कैनर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे मॉडल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे कुछ भी क्लास नोट्स का नहीं छोड़ के जाना है मॉडल आप स्किप करो चलेगा क्योंकि आपको यहाँ पे फोर्टी या फोर्टी के आसपास छे तो मॉडल स्किप कर सकते हो लेकिन एक पर्टिकुलर पार्ट part का पूरा क्लास बुक कंप्लीट करना तो ऐसे तुम ये फर्स्ट एट डेज दोनों का प्रिपेरेशन कर सकते हो यहाँ पे तुम्हें ज्यादा थोड़ा मॉड्यूल भी करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें एक्जामिशन चाहिए यहाँ पे हम क्लास नोटबुक कंप्लीट करें ये हो गया एट डेज में तुम ये करने वाले हो अभी आ जाएगा नेक्स्ट फोर डेज अभी फोर डेज में तुम दूसरे पार्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर

कर लो क्योंकि ये वाले पार्ट में कुछ भी यहां से वहां है ना तुम्हें पता है श्योरिटी है यहाँ पे थर्टी फाइव आ गया दूसरे में टेन आया कि फिफ्टीन आया कुछ भी आएगा तुम एग्रीगेट में कभी नहीं फंसने वाले मेरा टारगेट ये रहता है इसलिए मैं पहले बोलती हूँ पहले एक पूरा पार्ट कंप्लीट कर लो अगर चलो सब में लगा दो एबीसी एनालिसिस लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तुमने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया उसमें से सिर्फ एक दो क्वेश्चन आया फिर जिसमें तुमने टाइम ही नहीं दिया उसमें से पूरा सिलेबस आया तो मुझे नहीं चाहिए कि आई वॉन्ट कि अगर तुम मे मेरे को देख रहे हो तुम फंसो ना ठीक है मेरा मेन टारगेट यही रहता है ठीक है तो इसलिए मैं तुम्हें एकदम नॉर्मल चीज बता रही हूं ताकि तुम वहां जाके ना रिग्रेट ना करो कि यार एक पर्टिकुलर पार्ट पूरा पढ़ लेता या फिर मैंने ये चैप्टर में ज्यादा टाइम क्यों कि इन्वेस्ट किया इसलिए एंड ऑल्सो तुम भी अगर एबीसी एनालिस निकाल रहे हो ना अच्छा खासा ट्रेंड देखो एंड uh, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बंच ऑफ चैप्टर्स मिल रहे हैं तुम्हें ऑब्वियसली कुछ चैप्टर्स हो सकता है कि रिपीट ना हो लेकिन मेजर चैप्टर रिपीट होते हैं इंपॉर्टेंट तो तुम ज़्यादा अच्छा क्वांटिटी में निकालो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ठीक है तो चार दिन में तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट निकाल लो तुम खुद निकाल लो ठीक है प्रॉपर अभी चार दिन में तुम क्या करोगे यहाँ पे ऑब्वियसली मॉडल पढ़ना उतना पॉसिबल नहीं होगा ठीक है तो पहले जो एग्री सॉरी ये सिक्सटी वाला है ना उसमें तुम कैसे पढ़ोगे बताती हूँ इसमें सबसे पहले क्लास नोटबुक लेना है वैसे ही वापस मॉडल क्वेश्चन मार्क करो स्कैनर मार्क करो अगर मैराथन देख रहे हो तो मैराथन के सब कंप्लीट कर लो यहाँ पे मॉडल रीडिंग थोड़ा मैं नहीं कर पाती थी टाइम नहीं रहता था अगर तुम्हें करना है तुम वैसे ही कर सकती हो लेकिन ऑप्शनल हो सकता है इस वाले दूसरे वाले पार्ट में मॉडल रीडिंग एज थर्टी डेज ही बाकी है लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है आराम से कर सकती हो तो कर लेना ठीक है ये एग्रीगेट वाले में दूसरे वाले में वैसे ही तुम्हें क्लास नोटबुक कंप्लीट करना है फिर वही जो मॉडल क्वेश्चन स्कैनर क्वेश्चन सब कर, कर लेना ठीक है, है यहाँ पे तो हम सिर्फ क्लास नोट ही कर रहे हैं जिसमें हमें फोर्टी या फोर्टी के आसपास चाहिए तो ठीक है ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट फोर डेज में तुम क्या करोगे अभी नेक्स्ट टू डेज में ठीक है इसमें जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे जो शायद ट्वेंटी या मैक्स ट्वेंटी टू फिफ्ट मैथ्स है ट्वेंटी मार्क्स फिफ्टीन टू ट्वेंटी मार्क्स बनाएंगे ठीक है उस वाला चैप्टर तुम दो दिन में कंप्लीट करोगे लेकिन अगर तुम्हारा ऊपर दो सब्जेक्ट का कंवर नहीं हुआ है तो ये दो दिन भी तो ट्राई करो कि तुम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना पहले वो सबसे पहले कंप्लीट कर लो और अगर हो गया तो अच्छी बात है एटलीस्ट ये वाले जो सी कैटेगरी वाला होगा ना उसका रीड मान लेने का अभी लास्ट दो दिन में तुम कैसे पढ़ सकते हो वापस यहाँ पे उतना टाइम नहीं होगा मॉड्यूल तो स्कीप ही होगा दोनों में ठीक है तुम ये सिक्सटी वाला नहीं देख रहे मैं सी कैटेगरी का मैराथन नहीं देख पाती तो उतना टाइम नहीं था, था, था तो सबसे पहले मॉड्यूल क्वेश्चन कंप्लीट कर लेती थी स्कैनर क्वेश्चन इतना कवर कर लो अगर कोई समरी नोट्स मिल रही है या फिर कुछ ऐसा मैराथन नोट्स मिल रहा है तो उसमें से सिर्फ रीड करती थी अगेन ये जो सी कैटेगरी वाला था मैं बिल्कुल भी याद नहीं करती थी ये वाले चैप्टर सिर्फ समझ लेती थी रीड कर लेती थी अगर कुछ आ गया मैं कुछ तो लिख पाऊँ तो मेरा ये टारगेट रहता था दो दिन के लिए तो ऐसा ही वैसे ये साइड भी सिर्फ और सिर्फ मॉडल क्वेश्चन कर लो स्कैनर क्वेश्चन कर लो और रीड करो लर्न मत करो लर्न स्टार्टिंग का जो दस दिन है उसमें ही लर्न करने का यहाँ पे सिर्फ रीड करो अभी जो एक दिन एक्स्ट्रा है ना उसमें जो भी एग्जामिशन वाला है ना उसमें सब कुछ कवर करो लाइक जितने भी चैप्टर ना चाहिए तो रीड कर लो रिकॉल करो, करो एग्जामिशन वाले में मैक्स चैप्टर जो तुम छोड़ सकते हो वो है दो से तीन चैप्टर ही ठीक है दो से तीन चैप्टर का ही तुम ये कर सकते हो सिर्फ मॉडल क्वेश्चन करो स्कैनर्ड क्वेश्चन करो बस क्लासेस नोट्स अगर छोड़ना है दो से तीन चैप्टर मैक्स हाँ जिसमें तुम्हें एग्जामिशन चाहिए उससे ज्यादा मत छोड़ना ठीक है मेजर कंटेंट कवर करना और यहाँ पे दूसरे वाले जिसमें तुम्हें एग्रीगेट चाहिए फोर्टी पूरा कवर कर लेना और दूसरे पार्ट का स्कैनर क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन ये सब तो कर ही लेना ठीक है तो तुम ऐसा कवर कर सकते हो आराम से तुम्हारा 14 टू तु 15 डेज ऐसा तुम्हें करना है उसके बाद एक दिन में तुम्हें कितने आस पढ़ने अभी एंड का मोमेंट है 30 डेज ही है 12 टू 14 आवर्स तुम्हें पढ़ने ही चाहिए ठीक है क्यों देखो बहुत आसान है 24 फोर आवर्स में से अगर तुम 14 आवर्स हटा दो फिर भी 10 घंटे बचते हैं 6 घंटे सो लो चार घंटे में अपना बाकी काम कर सकते हो सो टाइम है चौदह घंटे भी पढ़ोगे ना अभी थर्टी डेज ही है दे डालो उसके बाद आराम से तुम आराम कर लेना एग्जाम के बाद क्या क्या करना है वैकेशन है आराम से इन्जॉय करना ठीक है अभी अगर एक दिन में तुम फोर्टीन मतलब फोर्टीन आवर्स पढ़ो या फिर ट्वेल्व आवर्स पढ़ो दो सब्जेक्ट है तो प्रॉपर सिक्स सिक्स आवर्स पढ़ लो ठीक है सिक्स आवर्स तुम्हें एक सब्जेक्ट करना है जिसमें तुम्हें एग्जामिशन चाहिए ठीक है और सिक्स आवर्स दूसरे सब्जेक्ट का करना आई थिंक तुम्हें फोर्टीन आवर्स पढ़ना चाहिए बहुत ज्यादा आइडियल हो जाएगा तुम एट आर्स एक सब्जेक्ट जिसमें तुम्हें एग्जामेशन चाहिए उसको दे देना और सिक्स आवर्स दे, दे देना जिसमें तुम्हें फोर्टी या फिर तुम्हें एग्रीगेट बनाना है ठीक है अभी देखो जो सिक्स आर्स है ना उसमें कर सकते हो कि एक चैप्टर के लिए तुम थ्री आवर्स दे, दे देना ठीक है तो एक दिन में आराम से दो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड ऑल्सो थ्री आर्स में कैसे कवर कर सकते हो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है ठीक है रिकॉल यूज करो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि थ्री आर्स में कैसे कंप्लीट कर सकते हो एंड ऑल्सो जिसमें एक्जामेशन चाहिए तुम आठ घंटे पढ़ो तो चार चार घंटे तुम एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए दे सकते हो आज में इसमें थोड़ा मॉड्यूल भी रीड करना है तो तुम ऐसा पढ़ सकते हो सिक्स एंड लास्ट स्टेप जो कि है प्रॉपर रिकॉल का इस्तेमाल करो ए टू जेड सब कुछ रीड ना करो मैं बताती हूँ तुम कैसे पढ़ सकते हो सबसे पहले नॉर्मल रीड मारो ठीक है जो भी है उसके बाद खुद को चीजें बताओ कि उसमें क्या था बिना देख के बताओ

एंड में भी देखें नवंबर के तो उसको पता है कि थर्टी डेज में वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं दिस वीडियो एंड आई होप दिस हेल्प यू एंड फॉर मोस्ट सच वीडियो डोंट फरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग